चतुर्थ अध्याय नैतिक विकास। नैतिक विकास में आत्मविकास से संबंधित सभी शाखाएं आ जाती है। नीति शास्त्र व्यक्ति के संपूर्ण कर्तव्यों की शिक्षा देता है। वास्तव में देखा जाए तो यह मानव जीवन का संपूर्ण सार है। आपके समस्त विचार तथा कार्य नीति शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। आपके विचार नैतिकता पूर्ण भी हो सकते हैं तथा अनैतिकता पूर्ण भी। नैतिकता व्यक्तित्व की गहराइयों में उतरी होती है। सभी अच्छे बुरे कामों का निर्णय नीति शास्त्र करता है। प्रतिक्षण आप उचित अथवा अनुचित कार्य कर रहे होते हैं। उठते बैठते वार्तालाप करते समय यहाँ तक कि स्वप्न में भी आप नीति शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल चल रहे होते हैं। जीवन का कोई पक्ष भी नीति शास्त्र से अछूता अथवा उसके नियमों से बाहर नहीं है। नीति शास्त्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला व्यक्तिगत नीति शास्त्र जिसका विषय व्यक्ति तथा परिवार होते हैं। दूसरा राष्ट्रीय नीति शास्त्र जिसका संबंध राष्ट्र तथा उसकी कतिपय संस्थाओं से है। राष्ट्रीय नीति शास्त्र को अन्य दो उप विभागों में बांटा जा सकता है, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। उपर्युक्त दो विभाग कैची के दो फलकों के समान अविभाज्य तथा अन्योन्याश्रित है। व्यक्ति का उत्थान राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार राजनीति व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। उत्तम सच्चरित्र व्यक्ति राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाओं को जन्म देते हैं तथा उन्हें जीवित रखते हैं, और श्रेष्ठ संस्थाएं सच्चरित्र नागरिकों के विकास में सहायक होती है। व्यक्तिगत उत्थान दोषपूर्ण संस्थाओं के आश्रय में नहीं हो सकता तथा श्रेष्ठ संस्थाएँ पति तथा भ्रष्ट लोगों के हाथ में पड़कर अपने देह से गिर जाती है। व्यक्ति तथा राष्ट्र में अथवा व्यक्ति और समाज में निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। व्यक्ति तथा संयुक्त विश्व राष्ट्र की आवश्यकताएं एक समान है। जैसे प्रत्येक परमाणु अपने लघु रूप में सौर मंडल के समान ही है। जैसे स्वास्थ्य की रक्षा स्वास्थ्यप्रद स्थान पर ही हो सकती है, इस तरह से व्यक्तिगत चरित्र संपूर्ण रूप से पूर्ण विकसित राष्ट्र में ही संभव है। कुछ उपदेशकों ने व्यक्तिगत नैतिक उत्थान के महत्व को ही दर्शाया है, परंतु राष्ट्रीय आचार नियमों को इतना महत्व नहीं दिया। उनके विचार में व्यक्तिगत चरित्र का विकास किसी भी सामाजिक परिस्थिति में हो सकता है। वे राष्ट्रीय आचार नियमों तथा अर्थव्यवस्था की ओर समुचित ध्यान नहीं देते। उनका अनुरोध एकांकी व्यक्तिगत नैतिक उन्नति पर ही रहता है। ईसाई बहाई तथा बौद्ध संप्रदाय ऐसी ही धारणाओं से प्रेरित है। किसी बहाई उपदेशक ने मुझसे कहा कि हम सभी गणतंत्रों के आश्रय में शांतिपूर्वक रह सकते हैं। मैंने उत्तर दिया, हम सभी राष्ट्रीय आचार प्रणालियों में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। अनुभव यह बताता है कि कोई भी सामान्य जन कभी भी क्रूर शासन सत्ता तथा पूंजीवाद की छत्र छाया में सच्चाई ईमानदारी तथा निस्वार्थ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। महान संत तथा ऋषि भी ऐसे समाज में जहां तानाशाही हो असमानता तथा अन्याय का बोलबाला हो कोई न कोई पाप अवश्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेश में नितांत अछूता नहीं रह सकता। यूनानी तथा चीनी दार्शनिकों ने व्यक्ति तथा राजनीति के मूलभूत संबंधों को बतलाया। उन्होंने व्यक्ति तथा राष्ट्र संबंधी आदर्शों की छानबीन की। आधुनिक समय में बहुत से विचारक राजनीतिक आर्थिक सुधारों की ओर विशेष ध्यान देते हैं, किंतु वे व्यक्तिगत नैतिक विकास को स्वतंत्र तथा बराबरी का स्थान नहीं देते। वे सदैव राजनीतिक तथा आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते रहते हैं तथा व्यक्ति के निर्मल आचरण की ओर ध्यान नहीं देते। वे इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि व्यक्तिगत आचरण तथा राजनीति का चोली दामन का साथ होता है। अतः अपना समय तथा ध्यान व्यक्तिगत तथा राजनीतिक दोनों ही की ओर सुधार में लगाना आवश्यक है। अपने व्यक्तित्व तथा सामाजिक परिवेश दोनों का सुधार करना अपेक्षित है। जैसे एक चिकित्सक रोगी के लिए औषधि तो देता ही है, परंतु साथ ही
वह कमरे को हवादार तथा गर्म रखने की भी ताकीद करता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व तथा वातावरण दोनों को विकसित करने की ओर प्रयत्नशील होना चाहिए। चाहे कितनी ही मूल्यवान गाड़ी हो, ऊबड़ खाबड़ अपेक्षित तथा कीचड़ वाली सड़क पर उसका चलाना असंभव है। एवं राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र नीति शास्त्र के अविभाज्य अंग हैं। प्रथम परिच्छेद व्यक्तिक नैतिकता, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।